ऊपर तुम लोग अंदर आ जाओ, जरा एक मिनट खड़े बंद कर दो। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के शक में हुई हत्या का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल मंगलवार को एक ऑटो चालक पर लोहे की रॉड से सिर पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अब इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी मृतक को दुकान में जबरन ले जाते और उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो विवाद के दौरान किसी ने छुपकर बनाया है, जो कि अब सामने आया है। वायरल वीडियो में आरोपी मृतक जगदीश को धमकाते हुए दुकान के अंदर बुला रहे हैं और उसे मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग बंद करने की बात कह रहे हैं। वहीं आसपास खड़े लोग आरोपी देव को जगदीश को न मारने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आरोपी देव और नितिन जगदीश के साथ मारपीट करने के साथ ही उसे गंदी गालियां दे रहे हैं। पुलिस ने मंगलवार रात को अस्पताल से घटना की सूचना मिलने के बाद प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। जिसकी शॉप है अपन नर्सिंग होम के पास में, एम्ब्रॉयडरी का काम करता है, उसके यहाँ पर एक महिला काम करती थी जिसका पति उसको अवैध संबंधों को लेकर हमेशा शक किया करता था। वो कल अपने किसी साथी के साथ में उसकी दुकान पर पहुंचा था, जहां इन लोगों के बीच में एक विवाद हुआ। विवाद में आरोपी जिसका नाम सिकंदर उर्फ देव है, वो काफ़ी उत्तेजित हो गया, आक्रोशित हो गया और उसने अपने साथी नितिन को बोला कि शटर लगाओ, और उसके बाद उसने लोहे की राड से उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया। बाद में एम्बुलेंस के माध्यम से उसके एम्बाई अस्पताल पहुँचाया गया था, जहाँ पर सुबह उसकी मृत्यु हो चुकी है। हमने उक्त पंजीबद्ध अपराध में इजाफा धारा 302 का किया गया है। दरअसल मृतक जगदीश गोविंद कॉलोनी बड़गंगा का रहने वाला था। उसकी पत्नी आरोपी देव उर्फ सिकंदर की दुकान पर काम करती थी। इसी दौरान उसका आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। जब ये बात जगदीश को पता चली तो उसने कुछ वक्त पहले पत्नी का काम छुड़वा दिया, लेकिन मंगलवार को उसने अपनी पत्नी को देव से मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद वह देव की दुकान पर इस बारे में बात करने पहुंचा था, जहां गुस्साए देव ने जगदीश को दुकान के अंदर बुलाकर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर जमकर मारा और सिर पर लोहे की रॉड से वार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बाद में उसे दुकान के बाहर फेंक दिया। जगदीश के दोस्त दिलीप ने उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।